हेलो बॉयस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बाइक्स एंड बॉयस। सो यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी बाइक के बारे में जो कि आपको बैक पेन या फिर नेक पेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। यदि आपके लिए बैक पेन होता है गाड़ी चलाते समय या फिर नेक पेन होता है, तो काफ़ी समय के बाद आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि शरीर में जकड़न हो रही है। ऐसे में गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और यदि आप ऐसी हालात में गाड़ी चलाते हैं और यदि स्पोर्ट्स बाइक और हो तो शायद आपके लिए और ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में कुछ हम पांच बाइक ऐसी लेके आए हैं जो कि आपके बैक पेन में हेल्पफुल रहेंगे, या फिर आपको बैक पेन है और बाइक चलाने का शौक है तो इन पांच बाइक के साथ में आप जा सकते हैं। तो 2022 के अकॉर्डिंग इन बाइक की प्राइस रहेगी और स्पेसिफिकेशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, जिसमें हमारी फिफ्थ नंबर की बाइक है रॉयल इनफील्ड हिमालयन। काफ़ी अच्छी बाइक है, रॉयल इनफील्ड कंपनी को रिप्रेजेंट करती है और लगभग 400 cc की यह बाइक है। यदि इस बाइक के हम पैटर्न की बात करें तो ये आपको एक तरीके से एडवेंचरस बाइक देखने को मिल जाती है, जिस पर आप आसानी से टूरिंग कर सकते हैं। इसमें आपको 2 से 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। और यदि इस बाइक की हम एक्शोरूम प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इस बाइक की एक्शोरूम प्राइस ऑलमोस्ट 2,20,000 के आसपास रखी हुई है। अब बात करते हैं हम इसकी कुछ की हाइलाइट्स के बारे में। तो कंपनी इस बाइक में आपको 411 cc का एयर कूल्ड इंजन प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपको 30 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाता है। साथ ही 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 200 kg के आसपास का कर्ब वेट है बाइक का, और 15 L की टैंक कैपेसिटी है। सीट हाइट की यदि हम बात करें तो आपको 800 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। इसमें यदि हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो लगभग आपको 7 से 8 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ कंपनी ने इस बाइक में आपको प्रोवाइड की है। और हम बात करते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस की। तो बाइक में आपको 24.3 bhp की पावर देखने को मिलती है और 32 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। यदि हम बाइक में ट्रांसमिशन की बात करें तो 5-speed गियरबॉक्स दिया गया है, और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है ऑलमोस्ट 120 से 125 kmps तक की दी हुई है, और किसी टूरिंग बाइक के लिए इतनी टॉप स्पीड काफ़ी होती है। इसमें यदि हम राइडिंग रेंज की बात करें तो आपको आसानी से 420 टू 450 किलोमीटर की राइडिंग रेंज आपको मिल जाती है। ब्रेकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, स्विचेबल ABS दिया गया है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको एडवेंचरस बाइक है तो कभी कभी ABS बंद करना पड़ता है और चालू करना पड़ता है, तो स्विचेबल ABS का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आपको। और दोनों साइड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, 300 mm का फ्रंट में एंड 240 mm का डिस्क ब्रेक आपको रियल में देखने को मिल जाता है। साथ ही ट्यूब टायर के साथ में यह बाइक आती है, तो ये भी अच्छा है। स्पोक व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं, ना कि एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। 3 years की इसमें आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। और यदि हम यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो आपको जो ऑडोमीटर मिलता है वो डिजिटल फॉर्म में, स्पीडोमीटर एनालॉग फॉर्म में, एंड आपको जो टैकोमीटर मिलता है वो एनालॉग फॉर्म में देखने को मिल जाता है। मोबाइल एक कनेक्टिविटी एंड GPS एंड नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। USB चार्जिंग पोर्ट इस बाइक में आपको नहीं देखने को मिलता। यदि नंबर ऑफ ट्रिप मीटर्स की बात करें तो वो भी आपको 2 देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट आपको हेलोजन फॉर्म में एंड ब्रेक लाइट आपको LED फॉर्म में देखने को मिल जाती है। लो ऑयल इंडिकेटर है, बट लो फ्यूल इंडिकेटर इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलता है। एडिशनल फीचर की बात करें तो आपको डिजिटल क्लस्टर विथ LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी है बाइक है, यदि आप बैक पेन से परेशान हैं और आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जो आपको बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। हम अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ नंबर की बाइक की, जो कि बजाज कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, बजाज एवेंजर क्रूज 220। काफ़ी अच्छी है बाइक है, BS6 मॉडल के साथ में अवेलेबल है कंपनी की तरफ से। एंड इसकी जो एक्शोरूम प्राइस है केवल 1,39,000 रुपये के आसपास इस बाइक में आपको एक्शोरूम प्राइस पे करनी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। इस बाइक में आपको पावर फिगर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। की हाइलाइट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 220 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 40 kmpl की माइलेज प्रोवाइड कराता है। 5-speed ट्रांसमिशन एंड 163 kg का कर्व वेट, 13 L की टैंक कैपेसिटी, साथ में इसमें जो आपको सीट हाइट है वो 737 mm की मात्रा है। तो इस बाइक के लिए काफ़ी अच्छा है कि जो छोटे लोग रहते हैं वो भी अच्छे से इस बाइक को मैनेज कर सकते हैं। इस बाइक में यदि हम पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो 220 cc का इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि 18.4 bhp की पावर प्रोवाइड कराता है एंड 17.55 nm का टॉर्क जनरेट करती है बाइक।
13 लीटर की टैंक कैपेसिटी एंड 40 kmpl के माइलेज के साथ में इस बाइक की राइडिंग रेंज ऑलमोस्ट 500 टू 520 किलोमीटर तक हो जाती है और टॉप स्पीड भी बाइक में काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 120 से 125 kmps तक की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी यहाँ पर आपको मैनेज करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल डिस्क का ऑप्शन देखने को मिलता है विथ सिंगल चैनल ABS सिस्टम। तो फ्रंट में आपको डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलता है। ट्यूब टायर के साथ में यह बाइक आती है और इस बाइक में भी आपको स्पोक व्हील्स ही देखने को मिलते हैं। इस बाइक में हम यदि फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डिजिटल ऑडोमीटर एंड डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। साथ ही इस बाइक में आपको मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी या GPS नेविगेशन जैसे ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो आपकी पावर परफॉर्मेंस में तो यह बाइक काफ़ी अच्छी है लेकिन ब्रेकिंग में थोड़ी सी यहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी यदि हम प्राइस की बात करें तो प्राइस के हिसाब से यह बाइक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराती है और बैक पेन के लिए यह बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाइक लुकिंग में काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन में काफ़ी अच्छी है, साथ ही यह एक क्रूज़र बाइक है तो यहाँ पर आपको बैक पेन में उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। थर्ड नंबर की हम बात कर लेते हैं जो कि हीरो कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, हीरो एक्सपल्स 200। काफ़ी अच्छी बाइक है, न्यूली लॉन्च्ड बाइक है। इसका जो अपडेटेड मॉडल है वो लॉन्च किया गया है कंपनी की तरफ से लगभग 2019 या 20 में। साथ ही इस बाइक की प्राइस काफ़ी अच्छी है, 126,770 में इस बाइक में आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। इस बाइक में यदि हम की हाइलाइट्स की बात करें तो 199.6 cc का इंजन, 40 kmpl का माइलेज, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 157 kg का कर्व वेट, 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी एंड 823 mm की सीट हाइट यहां पर देखने को मिलती है। कलर कॉम्बिनेशन यहां पर आपको 4 से 5 कलर देखने को मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स रेड, मैट ग्रीन, वाइट, मैट ग्रे, पैंथर ब्लैक, तो ऐसे 4-5 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको यह बाइक ऑल कूल्ड इंजन के साथ में देखने को मिलती है, 199.6 cc के डिस्प्लेसमेंट के साथ में 17.8 bhp की पावर एंड 16.45 nm का टॉर्क जनरेट करती है यह बाइक। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की आपको रेंज देखने को मिल जाती है और साथ ही आपको 110 से 115 तक की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS सिस्टम के साथ में यह बाइक आती है। फ्रंट में आपको डिस्क एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक, यानी कि दोनों साइड आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है इस बाइक में, 5 ईयर की आपको स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिल जाती है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, GPS नेविगेशन एंड USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स के मामले में भी यह बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको प्रोवाइड करा रही है। यदि हम प्राइस की अकॉर्डिंग बात करें, LED हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है एंड LED टेल लैम्प भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जो बाइक है वह लगभग 1.5 लाख के अंडर में आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में यह बाइक आती है। इस बाइक में भी आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे विद ट्यूब टायर। अब बात करते हैं हम अपनी सेकेंड नंबर की बाइक की। यदि आपको स्पोर्ट्स बाइक ही पसंद है और यदि आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक लें बट बैक पेन से परेशान है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है 150 cc कैटेगरी में, जो कि है सुजुकी जिक्सर SF। यह एक स्पोर्ट्स बाइक है, थोड़ी सी आपको इतनी ज़्यादा हाइपर राइडिंग इस बाइक में देखने को नहीं मिलती, कंफर्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी इस बाइक में देखने को मिल जाती है और वैल्यू फॉर मनी बाइक है। ये भी नहीं है कि आपकी R15 वर्जन 3 गाइंग 2 लाख से ऊपर की बाइक हो, यदि आप 170,000 से अंदर में कोई बाइक लेना चाहते हैं जो अच्छी पावर परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिले, तो सुजुकी जिक्सर SF काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है। यदि हम इसके की हाइलाइट्स की बात करें तो 155 cc के ऑयल कूल्ड इंजन के साथ में 45 kmpl का माइलेज, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 148 kg का कर्व वेट, 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी एंड 795 mm की आपको यहाँ पर सीट हाइट देखने को मिल जाती है। बाइक में आपको 3 से 4 कलर देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, ऐसे आपको 3 से 4 कलर के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर एंड परफॉर्मेंस की। तो ऑलमोस्ट 13.4 bhp की पावर एंड 13.8 nm का टॉर्क जनरेट करती है यह बाइक। इस बाइक की आपको माइलेज काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है 45 kmpl की, जिस वजह से इसकी राइडिंग रेंज ऑलमोस्ट 500 टू 550 किलोमीटर तक की हो जाती है। टॉप स्पीड यहाँ पर 125 से लेकर 130 kmps तक की देखने को मिलती है और साथ ही ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया ही है क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल डिस्क देखने को मिल जाते हैं विद सिंगल चैनल ABS सिस्टम। एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ में। तो यदि आप हाईवे पे बात करें तो इस बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहने वाली है। फीचर्स की हम बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर
फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिल जाता है एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको ऑप्शनल देखने को मिल जाता है। यदि आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट चाहिए तो ले सकते हैं, वरना आपको उसके बिना भी बाइक प्रोवाइड कराई जाती है। तो एलईडी हेडलैम्प एलईडी टेल लैम्प भी इस बाइक में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आप एक स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं कंफर्टेबली, तो आप सुजुकी जिक्सर एसएफ के साथ में जा सकते हैं। इसमें आपको ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, डिज़ाइन काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाती है और फेयरिंग इस बाइक में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो आप यदि स्पोर्ट्स लवर हैं तो सुजुकी जिक्सर एसएफ के साथ में आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आप सुपर बाइक का वेट कर रहे थे तो हमारी जो फर्स्ट नंबर की बाइक है वो है निंजा 1000 SX, 1000 CC की बाइक विथ कंफर्टेबल राइडिंग मोड्स एंड राइडिंग पोस्चर। क्योंकि इस बाइक में आपको इतनी ज़्यादा हाइपर राइडिंग देखने को नहीं मिलती जो आपको निंजा ZX10R या फिर यामाहा R1 में देखने को मिलती है। यदि आप एक सुपर बाइक ओन करना चाहते हैं और भले ही आपके बैक पेन में दर्द होता है बाइक चलाते समय, लेकिन फिर भी निंजा 1000 SX आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। यदि आप शॉर्ट राइडिंग पसंद करते हैं और सुपर बाइक राइड करना चाहते हैं तो निंजा 1000 SX एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप निंजा 1000 के साथ में भी जा सकते हैं। थोड़ी सी हम निंजा 1000 SX की बात कर लेते हैं। BS6 मॉडल के साथ में इस बाइक की जो एक्सोरूम प्राइस है वो 11,86,000 रुपये के आसपास है। इस बाइक में आपको दो कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं, मेटेलिक मैट ग्रीन प्लेन्स ग्रे एंड एमराल्ड ब्लेस्ड ग्रीन। ये आपको दो कलर ऑफ कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। इसके हम थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। तो इस बाइक में आपको 1043 CC का इनलाइन फुल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल इस बाइक में आपको देखने को मिलता है। 4.3 inches की आपको TFT कलर इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है। साथ ही कावासाकी का क्विक शिफ्टर इस बाइक में आपको देखने को मिलता है। यदि हम यहाँ पर इसके साइलेंसर या फिर एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो न्यू स्टाइलिंग विथ ऑल न्यू सिंगल साइडेड मफलर इस बाइक में आपको देखने को मिलता है। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी इस बाइक में आपको देखने को मिलती है। इंटीग्रेटेड राइडिंग मोड्स, ऑल LED लाइटिंग, कावासाकी कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन, कावासाकी इंटेलिजेंट एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ब्रिटिस्टन लेटेस्ट स्पोर्ट टायर्स, इंक्रीज्ड विंड प्रोटेक्शन जो आपको सील्ड देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इस बाइक में आपको जो पावर देखने को मिलती है वो 142 हॉर्स पावर देखने को मिल जाती है एंड ऑलमोस्ट 111 Nm का इस बाइक में आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। 238 kg के कर्व वेट के साथ में इस बाइक का वेट रहता है एंड 90 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। तो यह बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यदि हम 1000 CC की बात करें और कंफर्टेबल राइड्स की बात करें। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको डुअल सेमी फ्लोटिंग 300 mm के डिस्क ब्रेक एंड रियर में यदि हम बात करें तो सिंगल 250 mm का डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है। और फीचर्स तो इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल ही जाते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी ऐसी 5 बाइक जो आपको आसानी से ओन कर सकते हैं आप आराम से, यदि आपको बैक पेन है उसके बाद भी। तो होप आपको वीडियो पसंद आए, यदि पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यदि आपके मन में कोई और बाइक है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे वीडियो बने तो आप वो टॉपिक भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।